ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰੋਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੋਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ सर जी गल तो ये हुई है जी चार साल से असी बहुत दुखी हो रहे हैं। वो गुंडिया ने हमारे को हमारी बहन बेटियां को बहुत दुख दे रखा है। कितनी बार असी कोतवाली भी चौकी भी सब पुलिस को दरखास्त देती हैं रिपोर्टा देती हैं किसी ने कोई सुनाई आज तक नहीं की थी। फिर ये 18 तारीख को एक राजस्थानी चाय वाला सीखा उसके उन्होंने सर फोड़ा उससे पैसे खो के लगे। 19 तारीख को सड़ी झुग्गियाँ थे बढ़ गई असी क्या कि देखो ये मैं क्या कि मैं तुम कट्ठ कर लियो पुलिस नू सद लियो सारे कुलिया वाले नू मैं कट्ठ कर लियो पुलिस नू सद लियो भाई जोड़ा कुछ होगा वो आप ही करेंगे। तो वो दो 20 हज़ार वाले आ गए वो मोटरसाइकिल वाले वो दो मुंडिया नू फड़ के असी उन्होंने फड़ाता क्या लो जी ये तुम तो फड़ नहीं सकते चार साल से असी ये फड़ के थोनू देते हो अब गांह जाके थोड़े से गांह जाके ही उन्होंने छड़ देता उन्होंने छड़ देता तो वो 15-20 मुंडे और लेके आ गए मोटरसाइकिलों से भर के फिर पुलिस ने फोन किया पुलिस ने की करना सी सर पुलिस ने हम पे लाठी चार्ज कर दी थी लेना कोई नहीं देना कोई नहीं कोई गरीब नहीं है बहन बेटियां चुकियां से निकल के आ रही हैं। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚ ਆਏ ਹੋ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੋਸਾ ਜੀ ਉਹ ਪੁਲੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ अभी थोड़ी देर में वो दरी पहुँचे मौका मायना देखेंगे ठीक है ना इसके लिए उनको हमने अरदास किया कि चलो जी हमारा मौका मायना कार्रवाई क्या चाहते हैं हम तो सस्पेंड कराना चाहते हैं यही इस पुलिस में जिन्होंने हमारे साथ हमारी बहन बेटियों के साथ बिल्कुल जी बिल्कुल होना चाहिए इनको नहीं बख्शना है क्या इन्होंने नंगा नाच नचाया हमारी दी बहन बेटियों के वास्ते बहुत बजा बजा के दी बहन बेटियां कुटी हैं बंदे कुट्टे ने आज तक वो देखो की हाल होया पे ये गरीब बच्चों को की खिलाऊगा की पिलाऊगा ये देखो की बनया है इनका देखो ये पुलिस नहीं है ये तो बहुत बड़े डकैत ने जिवें आम आदमी पार्टी सरकार भी बनी है आम आदमी पार्टी उनका कोई जी हमारे बच्चे गए हमको तो जेल भेजता जी किसी की कोई सुनाई नहीं की थी क्या उन पर तो पर्चा हो गया उन्होंने पुलिस को मारा उन्होंने भी यही कह के तोड़ कि पुलिस नू हम गरीब मारेंगे पुलिस नू गरीब मारेगा तो फिर तो पुलिस रहेगी नहीं जब गरीब ही मारने लग जाएंगे पुलिस नू पुलिस झूठा है बिल्कुल झूठा जी सरासर झूठा अरे किसी गरीब को मौका ही नहीं दिया गल करने का डांगा मार रहा है तुझे देखो जरा मूवियाँ देखो की हाल बनाया हुआ है बहन बेटियाँ का बंदियाँ का अस्पताल में इलाज नहीं होने देता की करेगा गरीब बंदा कुछ नहीं कर सकता बाकी इन्होंने पंजाब बदनाम करने की पूरी कोशिश की है पंजाब नू बदनाम करके ही ये रहेंगे पुलिस वाले भी दो जने अस्पताल में भर्ती हुए नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल बेकार ये सिर्फ छुपा रहे ने ये अपना छुपा रहे ने कि हमने गरीबों पर जुल्म किया कोई लेडीज पुलिस नहीं थी लेडीज पुलिस होती तो लेडीज वालों को कूट दी हमको कोई इतराज नहीं थी कोई कसूर होता तही तो बाकी नहीं इन्होंने कस्टडी में भी रखा है चार लोगों को हाँ जी हाँ जी दस आदमी पकड़े थे सर पहले मेरे को ले गए थे कुटते मेरे को कोतवाली चौकी थां थां मैं मेरे को कुटते ही ले गए कैमरे बंद करके कुटा है मैंने मेरा देखो जावड़ी नहीं मेरे रोटी नहीं खाधी जाती है दो दिन तक जो लोगों को आपके साथ चार आदमी गए थे हाँ जी हाँ दो दिन तक उन्होंने इलीगल कस्टडी में रखा हाँ जी हाँ उसको बाद में वैसे ही छोड़ दिया सर चार पेपर छः पे पर्चा किया उनके नाम पता है क्या क्या नाम है जिनको वैसे छोड़ दिया था बिना हाँ वो इधर ही है गए जिनको छोड़ा जी वो है गए की नाम है जी राजपाल बिंद आपको उठाकर लेके गई थी पुलिस कब छोड़ा और कहाँ कहाँ लेके गई जी तीन दिन रखा था पहले घर में सोए थे वहाँ से ले गया मारपीट के पुलिस फिर थाना ले गया थाना भी पीटा था फिर बस अड्डे ले गए चौकी में वहाँ भी मारे थे मारपीट करके कुछ पूछा भी जबरदस्ती हाँ पूछता था कल अंकल जी हम लोग कुछ नहीं किए फिर भी मारते थे सगर यहाँ भी मारे थे यहाँ देखो फिर मारे फिर कब छोड़ा फिर तीन दिन रखे थे जी तीन दिन मारपीट की कहाँ कहाँ मारपीट की उन्होंने वो थाने में किए थे या अथी बस स्टैंड में किए थे जी मारपीट क्यों की ऐसी की पूछता था कि क्यों गलती की अकेले हम अंकल जी कुछ नहीं जानते हैं घर में सोए थे मुंडा जी मैं मुंडा जी
की गल हुई है? जिहड़ी घटना हुई है जी 18 तारीख तो शुरू हुई है जी। तो मेरे डैडी ने मतलब जदों आए थे वो गुंडा मतलब सारा कुछ करने वास्ते, तो मतलब मेरे डैडी ने एक गल की जदों राजस्थानी कुटिया तो उसका सर्वे पड़ाया सारा कुछ करया। फिर मेरे डैडी ने दरखास्त की अपने पुलिस वाले कोतवाली के तो उन्होंने कोई मतलब जो दरखास्त की उन्होंने मतलब ना तो कोई उन्होंने अरैसट किया है जी, ना ही कोई ना देखे कोई कार्रवाई की है जी। 19 तरीक न फिर उन्होंने जी कार्रवाई करती जी। तो उस तो बाद मेरे डैडी ने फिर उन्होंने कहा पुलिस वालों को कि भाई जो असी 18 तरीक दे सी कार्रवाई की हुई है तो तुसी एक्शन क्यों नहीं लिता जी। तो उन्होंने ही जो गरीब जनता मतलब हूँ मेरे डैडी जी थोड़े जे मतलब झुग्गी चौपड़ी वाले के प्रधान है जी, तो हद पतंग यही बेनती है जी। मैं तो यही चाहता जी कि जैसे मेरे डैडी ने बेकसूर न 10 बंद जमें लैके गए थे, सानू तो इंसान मिलना चाहिए। जिहड़े पुलिस वाले ने गुरचरण सुखविंदर सिंह तो शिवा तो एक बंदा होर है जी जिंदा मैं ना नहीं जानता, मेरे डैडी जानते हैं, बाकी इन्हों अरैसट कराया जाए इन्हों की वर्दी से जी तो उन्होंने कार्रवाई की। छोटे बंदे गिरफ्तार किए उन्होंने बाहर कढ़ना चाहते हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर जी। बाकी हूँ देखो जी साढ़े सारे हूँ बेकसूर ने जी, बाकी उन्होंने फिर भी 6 बंद पहले 4 से पाया से परचा, फिर 2 बंद होर पाता जी, 10 बंदे से जी, 4 बंद रिहा करता जी आप ही, असी आप लैन नहीं गए थे उन्होंने, उन्होंने आप ही रिहा करता जी। मतलब कि 24 घंटे 48 घंटे जिस किसी पिछले बेकसूर न रखोगे तो मतलब माड़ी मोटी कार्रवाई होगी, पर उन्होंने आपकी वर्दी बचाने वास्ते उन्हें 4 बंद छोड़ दिया, लेकिन 6 बंद परचा असी वो भी कर लिया। फिर संगरूर जाके उन्होंने बिल भी करा के लेके आए हैं, सारा कुछ कर, लेकिन असं यह चाहते हैं कि जोड़े अपने पुलिस वाले ने जी उन्होंने सब तो सख्त कार्रवाई होवे तो उन्होंने जी परचा पाया जाए जी। बाकी मैं इन्ना ही कह सकता जी, गरीब बंदा है जी, देखो जी बाकी मेरे डैडी तो कभी उस तो भी सारा कुछ हो सकता है जी। देखो जी बाकी तुम आप समझदार बाकी तुम आप देख लो जी। मैं कहता यही थी झुग्गी झोंपड़ियाँ वाले तो उत्ते लाठीचार्ज होया थी जो प्रशासन ने कहें किया, मैं वो विषय से अज आई थी इतने। मैं जो उन्होंने पहला गलबात सुनी है वो कहते भी उत्थे 3 मुस्तंडे फिरते थे, वो साढ़े लेडीज़ के उत्ते बाथरूम लैटिंग जाते तो वीडियो बनाते थे, वो कहते अस पहले भी असं एप्लीकेशन 2-3 बार दे चुके हैं भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुई हैगी। असं कहें 3-2 मुलाजमान PCR वाले उन्होंने फड़ाया 2 जोड़े बंदे थे, पर PCR वाले ने कहें अगे जाके वो बंद छड़ते भी वो नशा बेचते। तो उस दिन कहें 19 तरीक की गल आ भी उन्होंने उत्ते लाठीचार्ज होया बहुत ज़्यादा, पुलिस प्रशासन ने किया, पुलिस प्रशासन में भी असी गलबात की, कहें भी नहीं जी असं उन्होंने फड़िया थी भी उन्होंने उत्ते परचा दर्ज हो चुका है भी हजे गिरफ़्तार कोई नहीं होया। इस करके मैं SSP सारे SP की ड्यूटी ला के चली हाँ जी। 12 तरीक न मेरे को चंडीगढ़ आएंगे रिपोर्ट लैके भी जिन्हें चाहे पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करनी है चाहे उन्होंने कोई वो आ भी उन्हें कार्रवाई करके 12 तरीक न रिपोर्ट लैके SSP साहब मेरे को आप खुद पहुंचे। हाँ जी बिल्कुल पुलिस का रोल है उत्थे बिल्कुल लाठीचार्ज किया, कहते लेडीज़ से भी होया है, वो कहें असी बिल ये कहें दारू पीते बिल्कुल यह जी कोई गल नहीं होगी क्योंकि कोई भी दारू पी के यहोजा काम नहीं करेगा, क्योंकि धक्का तो होया पुलिस ने किया है उन्होंने बनती कार्रवाई होगी जी। असं 12 तरीक रिपोर्ट लैके आएंगे चाहे पुलिस प्रशासन चाहे कोई भी है वो तो असं बनती कार्रवाई करा। हाँ जी बिल्कुल होगी बिल्कुल कमीशन का ही काम रहा है, जिथे कोई SC समाज से धक्का होगा बिल्कुल नहीं होने दवांगे, बनती कार्रवाई होगी 12 तरीक रिपोर्ट लेके पहुंचे मेरे को, उस तो बाद बाकी कार्रवाई सी जो भी उड़बंद होगा कमीशन वालों कोई भी SC समाज से कोई भी धक्का नहीं होगा चाहे वह पुलिस प्रशासन है चाहे कोई भी ABC। हाँ जी मैं मौका देखूंगा लेडीज नूं मिल के आऊंगी उत्थे मौका देखने जाऊंगी। SP साहब दी लाई है जी 12 बिल्कुल पुलिस प्रशासन हमेशा धक्का करती है।
ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ABC ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਓ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। SP ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੰਸੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਸੀ ਤਰਫ ਇਨਸਾਫ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ SS ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਉਰੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਈਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ SC ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ 376 ਦਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ 302 ਦਾ, ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਹੈਗੇ।